गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिस पॉसी, इट्स मी सोनिया। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो भी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें हमें कौन सी यूज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो मेक श्योर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। चल लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज जो बात करने वाली हूँ वो है बायोटिक की, एडवांस आयुर्वेदा, जो कि क्लेम करते हैं 100% नेचुरल है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 270 रुपीज है। इसका जो नेट वॉल्यूम है वो है 50 ग्राम, जो कि काफी सही प्राइस है, क्योंकि हम लोग अगर बात करें मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स की जो आजकल आती है, लोटस, लैक्मे, लॉरियल, जितने भी आप बात कर लो, सब 500, 600, 700 प्लस है। तो इसमें मुझे बहुत अच्छी बात जो लगी है वो है ये कि आपको 270 रुपीज में ये एजलेस मॉइस्चराइजर आपको दे रहा है। एजलेस हम लोग क्यों यूज करते हैं, एजलेस एंटी एजिंग क्रीम हम क्यों यूज करते हैं, सॉरी अगर आपको पीछे से नॉइस आ रहा हो तो मैं बिल्कुल बालकनी से थोड़ा सा हट के बैठी हूँ। एनीवे, हम लोग एजलेस और एंटी एजिंग क्रीम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारी जो एज है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, हम और यंग नहीं हो रहे हैं, हम ओल्डर हो रहे हैं। तो आफ्टर 25 ईयर्स आपको डेफिनेटली एंटी एजिंग एजलेस क्रीम ही यूज करनी चाहिए, जिससे आपका फेस और यंग दिखे, आपके फेस पे ज्यादा पिगमेंटेशन ना हो, आपके फेस पे ज्यादा झाइयां ना आने लगे, आपके फेस पर ज्यादा रिंकल्स ना आने लगे, उनको रोकने के लिए आपको एजलेस मॉइस्चराइजर एंटी एजिंग क्रीम ही यूज करनी चाहिए। तो मैं इसको काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही हूँ, 3 to 4 months हो गए हैं, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना आज इसका रिव्यू भी दे दिया जाए और इसके बारे में भी बता दिया जाए। और इसको यूज़ करने भी बहुत ज़्यादा इजी है। मॉइस्चराइजिंग करने के लिए आपको पहले करना है अपना फेस को क्लीन, उसके बाद करना है फेस वॉश, उसके बाद में आपको टोनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी काफ़ी सारा आप लोगों को बताया है कि टोनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरम लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सब कर लिया है तभी आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए। डायरेक्टली नॉर्मली जो हम इंडियंस करते हैं वो ये ट्रू है कि फेस वॉश किया हमने अपना, हमारा फेस मॉइस्चराइज करके हम सो गए या बाहर चले गए या उसके ऊपर और मेकअप कर लिया, तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें मॉइस्चराइज करने से पहले अपने फेस को अच्छे से टोनिंग करना है, सीरम यूज करना है, फिर ही मॉइस्चराइज करना है, ताकि हमारा फेस को एक लेयर बनी रहे, हमारी जो अंदर एक यूवी प्रोटेक्शन होता है जो सन डैमेज आपको बताता है, आपकी वो आई लेयर बनी रहनी चाहिए। तो हमें उसके लिए मॉइस्चराइज यूज करना है। ये क्लेम करता है कि ये आपके फेस को विद इन 7 days, 8 days में आपके एंटी रिंकल्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस करेगा। अप्लाई करने का इसका जो वे है, हाउ टू यूज इसको, आपको अप्लाई करना अपने पूरे फेस पर अच्छे से इवनली, पूरे अपने नेक पे, अपना जो भी ओपन एरिया वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। इसको जो मॉर्निंग एंड नाइट में यूज करना है, बिफोर यू स्लीपिंग कर लीजिए, मॉर्निंग में कर लीजिए। और उसके बाद इसको बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए ये कहता है कि आपको इसको आफ्टर सीरम ही यूज करना है। आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा जिसको रिजल्ट चाहिए वो आफ्टर सीरम ही यूज करें। अब मैं बात सिर्फ इसकी नहीं करती हूँ, मैं बात सारे मॉइस्चराइजर की करती हूँ कि अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको प्लीज सीरम और टोनिंग से पहले ही यूज करना है। पहले आपको टोनर करना है, सीरम करना है, उसके बाद ही मॉइस्चराइजर करना है। उससे आपको खुद ब खुद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपकी जो स्किन है काफी यंग दिखने लगी है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। इसका जो डिप्पी है वो इस तरह से है, ट्रैवल फ्रेंडली है, छोटी सी है, आप कहीं पर भी अपने बैग में इसको कैरी कर सकते हो। और ये प्लास्टिक है, तो ये कांच है, नहीं है जो गिरा और टूट गया, नहीं ऐसा नहीं है, प्लास्टिक है। इसका जो अंदर का है ये ऊपर का है, ये प्रोटेक्शन दे रखा है, एक अलग से कैप है जो जिससे क्रीम ना निकले आपकी। मैं हैंड्स पे ले ली थी, देखा आपने बहुत कम हो गई है, क्योंकि मैं नॉर्मली नाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ करके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इसका इफेक्ट नाइट क्रीम की तरह ही रात को लगता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं इतना सा ले लिया है, मैं इसको अपने फेस पे डॉट डॉट की तरह लगा लूँगी, जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी क्रीम लगाते हैं। मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समर्स में, विंटर्स में, कोई भी सीज़न हो, ऐसा नहीं है कि सन हमें नहीं मिलता और हमारी ऑयली स्किन रहती है, हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, नहीं, आप नहीं लगा रहे हो इसीलिए और ज़्यादा ऑयल बन रहा है, इसलिए आपकी ऑयली स्किन और ज़्यादा हो रही है। बेटर है आप उसको अच्छे से
रखें। तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, आप अपने फिंगर से आप इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए नॉर्मली, जैसे आप कोई भी क्रीम लगाते हैं अपने नेक पे। इसको बहुत ज्यादा ये नेचुरल और लाइट वेट लगती है, बहुत ज्यादा इससे आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लोइंग सा एक फील आने लगता है। तो मैंने अप्लाई कर लिया है, अब आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा सा ये स्किन पे ग्लोइंग सा दे रहा है, शाइन सा दे रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना ज्यादा ऑयली क्यों लग रहा है, ये ऑयली नहीं है, नॉन स्टिकी है, कहीं से भी स्टिकी नहीं है। देखो एक हैंड होता है कि चिपकने लगती है क्रीम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और मैंने आपको पूरा लाइव डेमो दिखाया है कि मैंने लगाने से पहले स्किन कैसी हो रही थी, नॉर्मली ड्राई सी हो रही थी और रफनेस सी दिख रही थी, इसको लगाने के बाद मेरे फेस पे ग्लॉसीनेस सी फ्लॉलेस सी आने लगी है, जिससे मेरा स्किन जो है और जो फेस है वो शाइन करने लगा है, ग्लोइंग आने लगा है, एक ब्राइटनेस सी दिखने लगी। दिख रहा है आप यहाँ पे कितना अच्छा सा ब्राइट सा दिख रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगती है कि यार ये चीप है मेरे, मैं तो 1500 की चीज़ यूज़ करती हूँ तो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ 200-300 वाली, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट देती हैं और डेफिनेटली हम सारी चीज़ें तो नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए तो हम जैसे रिव्यूज चैनल बनाए गए हैं कि हम लोग आप लोगों को सारी चीज़ें बताएं कि ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। तो आपको इसका इफेक्ट दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा सा फ्लॉलेस सा लुक आ रहा है और इतनी अच्छी, आपको इतने कम पैसों में इतना अच्छा मॉइस्चराइजर मिले तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा भाई, कौन नहीं लेना चाहेगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को चाहते हो या आपको किसी भी शॉप से ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे लिंक पे जाकर ही चेकआउट कीजिए, आप कहीं से भी ले सकते हो। बायोटिक तो वैसे भी जानी मानी कंपनी है और इसके काफ़ी सारे टोनर्स भी अच्छे हैं, फेशियल्स भी अच्छे हैं, बट मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसका एक स्पॉटलेस एंटी एजिंग क्रीम भी यूज़ किया है कि अगर आपके फेस पे कहीं दाने हैं तो आप उसको भी ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत रिजल्ट मिला है, मुझे इससे भी रिजल्ट मिल रहा है। तो यस, ये क्रीम्स काफ़ी अच्छी है। अभी इसको अगर मैं इसके बाद मेकअप यूज़ करूँगी ना तो मेरा फेस बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शाइन सा आएगा और फाउंडेशन लगाने के बाद तो लगेगा है कितना महंगा मेकअप करके आई हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके फेस को अच्छा बनाने के लिए, आपको स्किन केयर रूटीन ज़रूर रखना चाहिए, चाहे वो नाइट हो डे हो कोई भी हो, लेकिन आपका स्किन केयर रूटीन ज़रूर होना चाहिए। सो बस मेरा आज का यही था वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो बिना सब्सक्राइब के कहीं मत जाना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है बॉस और मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। सही, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।